मम्मी हंस हंस के पागल है। फिर भी फट रहा है ये, बट मेरे को सामान ढूंढने में एक घंटा लग जाएगा भाई। क्या क्या चाहिए? हाय प्रीबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे काफ़ी दिनों से ना गोलगप्पा खाने का मन कर रहा था, और मैं जब भी बाहर का खाती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि अनहाइजेनिक भी होता है। तो मैंने सोचा घर पे ही बना लेते हैं। आई रिमेम्बर मैंने लॉकडाउन में बनाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूट्यूब से देख देख कर, बट अभी मैं वो भूल गई हूँ। सो मुझे फिर से यूट्यूब में देखना पड़ेगा और बनाऊंगी मैं। एंड ऑल्सो मैंने सोचा है कि पानीपुरी चैलेंज करेंगे बाद में। आप कमेंट करना आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। मैं गोलगप्पा बोलती हूँ, बहुत लोग पानीपुरी बोलते हैं, पुचका बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सो लेट्स गो। तो मैं वीडियो देख देख के बनाने वाली हूँ। ये मेरा दूसरा फ़ोन, एक फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, दूसरे फ़ोन से मैं देख कर बनाऊँगी। बहुत झंझट है। जब मैंने वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो में उसने क्या क्या बताया, दिमाग घूम गया। पता नहीं मैंने लॉकडाउन में इतनी आसानी से अकेले कैसे बना लिया था। पहले उसका पानी बनाओ, पूरी बनाओ, फिर ये करो वो करो। और जो रेडीमेड पूरी होता है ना, अगर वो भी मिल जाता तो थोड़ा सा ईजी हो जाता आपका काम, पर अभी वो भी नहीं है मेरे पास, तो खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या कुछ होता है। तो मैं आटा के गोलगप्पा बनाने वाली हूँ, मैदा का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आटा मैदा से बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए थोड़ा सा आई विल ऐड दिस सूजी। मेरे को सामान ढूंढने में एक घंटा लग जाएगा भाई। क्या क्या चाहिए? फाइनली आप देख सकते हो गया है मेरा डो। फिर भी फट रहा है ये, बट काम चल जाएगा मुझे लगता है। ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं बनती। मेरे हाथ सच में दर्द कर रहे हैं यार, इतना तो आधा घंटा तो मेरे को डो बनाने में लग गया। तो मैंने डो बनाकर इसको गीले कपड़े से ढककर रख दिया है। अब बारी है तीखे पानी की। तो उसमें कोरिएंडर लीव्स दिखा रहा है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है हमारे घर में, बट ये जो मिंट लीव्स है वो है, हमारे पीछे लगा हुआ है घर के बाहर। तो मैं पापा को बोलती हूँ लेके आने के लिए, क्योंकि उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बोला था कि एक हफ्ते तक डेली व्लॉगिंग करूँगी, पर कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिन भर मेरा मूड ऑफ था, मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऊपर से बारिश इतना हुआ था ना कल, तो कंटिन्यू बारिश रुक ही नहीं रहा था, तो इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया मैंने। पर यहाँ पे कल क्या हुआ था, जब पापा इधर से जा रहे थे ना, पीछे जा रहे थे, तो पापा को इतना बड़ा काला सांप दिखा। वो भी सुबह सुबह, मैं सो रही थी, इतना जोर से शोर मचाने लगी मम्मी पापा के, मैं जग गई। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर बोले थे कि सांप दिखा उनको, कुचलने ही वाले थे ना, आ गई था इधर। और फिर हम सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, हम बस चाह रहे थे कि वो हमारे ये घर से निकल जाए, बाउंड्री से बाहर निकल जाए। पर वो सांप इधर से आकर ना इधर छुप गया। हम क्या करें भाई, दिन भर तो उसको निकालने में लग गया, फिर भी वो मजे से इधर छुप रहा था। कल शाम तक तो इधर ही था, छुप गया। हमने बोला कि छोड़ो, अपने आप चला जाएगा। और जब सुबह उठ के देखा तो आज सांप नहीं था इधर, मतलब चला गया वो, पता नहीं कहाँ गया, पर चला गया। अगर मैं कल व्लॉग बनाती तो आप सबको दिखाती। पुदीना इतना पुदीना से क्या होगा। ये हमारे घर पे ही लगा हुआ चिल्ली है, इतना ज़्यादा तीखा है, एक खाओगे ना तो ऐसा लगता है मौत आ जाएगी भाई। ये सच्ची में इतनी ज़्यादा तीखी है, मैंने इसमें 5 डाला है एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए, क्योंकि गोलगप्पा बन जाएगा तो पापा और मैं चैलेंज करने वाले हैं, गोलगप्पा स्पाइसी चैलेंज। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा तीखा बनाया, और अभी जो बाकी वाला पानी होगा वो भी मैं बहुत ज़्यादा तीखी बनाऊँगी। सो तो हमारा तीखा पानी रेडी हो गया है, एंड इतना अच्छा टेस्ट कर रहा है ना, वाओ। मेरे पास बहुत कम इंग्रेडिएंट थे, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अच्छा टाया, आई मीन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ भी। तो तीखी पानी तो हो गया, पर अभी मैं मीठी पानी बनाने वाली हूँ। उसके लिए इमली भी चाहिए होगा, पर घर में अभी इमली नहीं है, तो सिर्फ मैं जैगरी डालने वाली हूँ, मतलब गुड़ डालने वाली हूँ। और ये मम्मी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा तो तीखी पानी मम्मी नहीं खा सकती, मम्मी का प्रॉब्लम है पेट का। सो मैं ये मम्मी के लिए बनाने वाली हूँ। ये है मीठी पानी मम्मी के लिए। तो इधर आलू बॉईल हो रहा है, मम्मी हंस हंस के पागल है। मैंने बोला था कि इसके साइज का बनाना, पर कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था, वही हंस रही है मम्मी। पानी पूरी अब देखो, वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अब ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, तो क्या करें। पापा को भी काम पे लगा दिया, मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ मैं। तो पोटैटो बॉईल हो गया है, और बारिश भी आने लगी है गाइस, अभी देखो फिर से बारिश शुरू। उफ, परेशान कर दिया यार इस बारिश ने तो कसम से।
मिक्सर में फिर से मैं ये बना रही हूँ, मसाले वगैरह बना रही हूँ। और ये मैंने ढक के रखा है, जो ये पूरी के लिए रेडी है। आप ये मत सोचना कि गंदा है, ये मैंने फ्लोर को अच्छे से साफ किया है। और ये गीला कपड़ा है, कपड़ा भी अच्छा ही है। सो यस, अब बस इसको तेल में तलना है, जो पापा को बोला है तल देने के लिए। सो ये है मीठी पानी, ये है हमारा खट्टा पानी, और ये है मिक्सचर या आप बोल सकते मसाला आलू का। और ये जितना भी खराब हुआ वो है, ये सब खराब हो गया पहले का, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा कम हो गया था इसीलिए। तो गोलगप्पा बनके रेडी है, और पापा और मैंने चैलेंज भी कर लिया। अभी आपको वीडियो में पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। और अभी मम्मी अकेले बैठ के खा रही है, क्योंकि मम्मी चैलेंज में नहीं थी, हम इधर बैठ के हमने चैलेंज किया था। तो कैसा लगा? बढ़िया, टेस्टी टेस्टी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाया था मैंने। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। मेरा तो सच्ची में पैर दुख गए हैं, मैंने 2-3 घंटे कंटिन्यू, उससे भी ज़्यादा आई गैस, बनाती गई, इतना खाने के लिए इतना कुछ मेहनत करना पड़ता है। सो या दैट वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ वो वीडियो चैलेंज वीडियो वाला ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फनी भी हुआ है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, बाय।